स्टडी माई सेल्फ जितेंद्र कुमार फ्रॉम बचपन एंड सेवन स्टार गवर्नमेंट स्कूल। तो आज हम क्लास फिफ्थ के मैथ सब्जेक्ट्स के एस्टिमेशन टॉपिक पढ़ेंगे, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था। एस्टिमेशन टॉपिक्स का अदर नाम राउंड ऑफ भी है, उसको राउंड ऑफ भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम राउंड ऑफ भी है, राउंडिंग ऑफ। सबसे पहले वही बात है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, डिजिट्स का नॉलेज होना चाहिए। एस्टिमेशन एंड राउंडिंग को पढ़ने के पहले डिजिट्स का नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी गिवन नंबर कितने डिजिट का है, वो 5 डिजिट्स का है या 6 डिजिट्स का है। तो अगर राउंडिंग ऑफ में किसी भी नंबर को चार तरह से अपन ने पढ़ा था। डायमंड में मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, डायमंड में नियरेस्ट टेन, टाइप टू में बताया था मैंने नियरेस्ट 100, टाइप थ्री में मैंने बताया था नियरेस्ट 1000, यानी किसी भी नंबर्स को हम तीन तरह से बेसिकली राउंडिंग ऑफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 10 बना सकते हैं, किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 100 बना सकते हैं, किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है ओनली नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 में हम आगे बढ़ते हुए नियरेस्ट 10 में बता रहा हूं कि राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, किसी भी नंबर को हम नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसमें रूल्स वन, इफ एनी नंबर इफ वंस डिजिट नंबर इज लेस देन 5, वन डिजिट नंबर लेस देन 5, देन वी फॉलो, देन वी रिप्लेस वन डिजिट बाय 0। अगर कोई भी नंबर गिवन नंबर्स में, किसी भी नंबर्स में वन डिजिट अगर 5 से छोटी है तो हम उस वन डिजिट को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से। ठीक है, यानी कि एग्जांपल मेरे पास है 23। अब इसको मुझे नियरेस्ट 10 बनाना है तो मैं देखूंगा कि इसकी वन डिजिट कौन सी है, 3, और 10 डिजिट कौन सी है, 2। तो वन डिजिट अगर 5 से छोटी है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 0 से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि 3 को मैं 0 से रिप्लेस कर दूंगा और 2 को मैं लिखूंगा, यानी कि 23 का नियरेस्ट 10 क्या बन गया, 20। यानी कि हम किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 10 बनाने से पहले ये देखेंगे कि उसकी वन डिजिट 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। इस नंबर इस गिवन एग्जांपल्स में ये जो 23 है उसकी वन डिजिट 5 से छोटी थी, इसलिए इस वन डिजिट को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 0 से। रूल्स 2, मेरा रूल्स 2 क्या बोलता है, रूल्स 2 में मैं कह रहा हूं कि अगर वंस डिजिट, अगर किसी नंबर्स में वंस डिजिट क्या हो, वंस डिजिट ग्रेटर देन या इक्वल्स है 5 के। मेरा सेकंड रूल क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी वंस डिजिट 5 के बराबर या 5 से बड़ा हो तब हम क्या करते हैं, देन रिप्लेस Then we replace once digit. Then we increase. Tenth digit.
एन यूनिट को इंक्रीज करते हैं बाय वन, बाय वन, ठीक है। अगर कोई नंबर्स जो गिवन नंबर्स में वन डिजिट अगर पांच से बड़ी या पांच के बराबर है, यानी फाइव के इक्वल्स या फिर ग्रेटर हो, तो हम क्या करेंगे उसमें टेन डिजिट को तो वन से इंक्रीज करेंगे एंड रिमेनिंग डिजिट यानी कि वन डिजिट को एन रिप्लेस द वन डिजिट, रिप्लेस द वन डिजिट बाय जीरो, और वन डिजिट को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा जीरो से। एग्जाम्पल 225 का मेरे पास एग्जाम्पल 25 को क्या बनाना चाहता हूँ नियरेस्ट है, तो मैं इसमें वन डिजिट को कंसीडर करूंगा और टेंस को, तो मेरा वन डिजिट अगर 5 या 5 से बराबर बड़ा है यानी कि ये 5 है, तो मैं क्या करूंगा इससे पहले टेंस वाले डिजिट्स में 1 से इंक्रीज करूंगा यानी कि मेरा 2 क्या बन जाएगा 3, और 5 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा 0 से, यानी वन डिजिट को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा 0 से, यानी कि ये बन गया 30। तो यानी कि 25 को मैं नियरेस्ट टेन लिखना चाहूं तो मेरा नंबर क्या निकल गया 30। जैसे एग्जाम्पल सही लेते हैं, एग्जाम्पल 248, अब 48 को मुझे नियरेस्ट टेन मानना है, तो मैं वापस क्या लिखूंगा वन डिजिट, वन डिजिट अगर 5 से बराबर या 5 के से बड़ा है तो ये वन डिजिट 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इस डिजिट को यानी कि 10 डिजिट में अपन क्या करेंगे 1 इंक्रीज कर देंगे और रिमेनिंग डिजिट को किससे रिप्लेस कर देंगे 0 से, यानी कि अगर मैं बात करूं 10 डिजिट को मैं इंक्रीज करूंगा तो 4+1 यानी कि 5 और रिमेनिंग डिजिट 0। तो अगर मैं 48 को नियरेस्ट 10 कन्वर्ट करना चाहूं तो 48 को 50 के नियरेस्ट 50 बना 50 बनेगा अगर ये नियरेस्ट 10 में अगर कन्वर्ट किया जाए। तो इस टॉपिक्स में एस्टिमेशंस में मेरा फर्स्ट टॉपिक ये है कि किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 10 बनाना, फिर मैंने टू रूल समझाए, अगर वन डिजिट क्या हो, वन डिजिट 5 से छोटा हो तो हम ओनली वन डिजिट को 0 से रिप्लेस करते हैं, बाकी सारे डिजिट को एज इट इज लिख देते हैं। मेरा सेकंड रूल क्या बोल रहा है कि वन डिजिट अगर ग्रेटर देन या इक्वल्स हो 5 के यानी कि 5 से बड़ा है 5 से बराबर हो तो वन टेंथ डिजिट को हम 1 से रिप्लेस करते हैं और वन डिजिट को अपन 0 से रिप्लेस करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में बताया। अब अगला अपना इसमें टॉपिक है एस्टिमेशंस में है सम ऑफ एनी नंबर्स, सम ऑफ एनी नंबर्स एस्टिमेशंस में मेरा टॉपिक है सम ऑफ, जैसे फोर ऑपरेशन बेसिकली मेरा जो चैप्टर्स है अभी वो है फोर ऑपरेशन, यानी कि अगर मैं एस्टिमेशंस में बात करूं तो सबसे पहले मेरा ऑपरेशन है एडिशन, यानी कि अगर मैं एस्टिमेशन में एडिशन भी कर सकता हूँ, दूसरा मेरा है मैं एडिशन एस्टिमेशन में सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ, तीसरा मेरा है कि मैं एडिशन मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन, और फोर्थ ऑपरेशन से मेरा मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। इन एस्टिमेशन को फोर तरह से भी अपन समझ सकते हैं, यानी एस्टिमेशन बाय एडिशन, एस्टिमेशन बाय सब्ट्रैक्शन, एस्टिमेशन बाय मल्टीप्लिकेशन, एस्टिमेशन बाय डिवीजन मेथड। तो मेरा सबसे पहले आज का टॉपिक है एस्टिमेशन, एस्टिमेशन बाय एडिशन, एडिशन कैसे करेंगे अपन एस्टिमेशन को यूज करके। यूजिंग
एस्टिमेशन एस्टिमेशन मेथड, और मेथड में भी मुझे कौन सा मेथड लगाना है, कन्वर्ट क्या करना है हमें, कन्वर्ट नियरेस्ट टेन, मुझे इन नंबर्स को पहले नियरेस्ट टेन में कन्वर्ट करना है, फिर मुझे इसको क्या करना है एड करना है। तो मैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखूं, तो मेरे पास सबसे पहले है 34। अगर मैं इसको नियरेस्ट टेन बनाना चाहूं, अगर मैं इसको नियरेस्ट टेन बनाना चाहूं, तो नियरेस्ट टेन में मैंने रूल्स बताया था कि अगर वन डिजिट क्या हो, पांच से छोटी हो, तो मैं क्या करूंगा उसको जीरो से रिप्लेस कर दूंगा और टेन डिजिट को एज इट इज लिख दूंगा। यानी कि अगर मैं इसको 34 को मैं नियरेस्ट टेन बनाना चाहूं तो ये क्या बनगी 30। अब मेरा सेकंड नंबर क्या है 78 को मैं नियरेस्ट टेन बनाना चाहूं, नियरेस्ट टेन में मैं कन्वर्ट करना चाहूं, तो क्या करूंगा मैं वंस डिजिट देखूंगा कि वो छोटी है, 5 से छोटी है या 5 के बराबर है, 8 5 से ग्रेटर है, तो क्या करूंगा मैं 10 प्लेस को मैं 1 से इंक्रीज करूंगा, यानी कि 7 में तो मैं 1 ऐड करता हूं तो ये 7 तो बन जाएगा 8, और 8 को मैं क्या करूंगा रिप्लेस 0 से। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, तो 0 को ऐड करेंगे 0 और 8 प्लस 3 11, तो इसका एस्टिमेशन समझ हो गया। एस्टिमेशन समझा हो गया 110। अगर मैं इसको बेसिकली वैसे ऐड करके देखता तो क्या आंसर आता, 34 को मैं अगर 78 से मैं अगर डायरेक्ट ऐड करूं तो इसका आंसर क्या आता, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 4 और 7 11, यानी कि एस्टिमेशंस अगर करें एस्टिमेशन मेथड से अगर एडिशन करें नियरेस्ट टेन बनाकर किसी नंबर्स को, तो मेरा आंसर क्या है 110। अगर विदाउट एस्टिमेशन करें तो 112, यानी कि अप्रोक्सीमेट ये एक दूसरे के क्या है नजदीक है। तो वापस समझ बोलूं आप लोगों को, हाँ एस्टिमेशन में एडिशन में अपना सेकंड टॉपिक है, एनी नंबर्स को किसी भी नंबर्स को मैं एडिशन करूंगा नियरेस्ट 100 बनाकर, मेरा सेकंड टॉपिक है मैं एक सम करूंगा सम एनी नंबर बाय एस्टिमेशन मेथड। अगर मैं किसी भी नंबर्स को एडिशन करता हूं नियरेस्ट टेन बनाकर, तो मैं देखता हूं कि नियरेस्ट टेन में अगर वंस डिजिट अगर 5 से छोटी है, अगर 5 से छोटी है तो उसको 0 से रिप्लेस करते हैं। अगर एस्टिमेशन पे मैं नियरेस्ट टेन बनाना चाहूं, अगर कोई भी डिजिट 5 से बड़ी है 5 के बराबर है, तो मैं क्या करता हूं कि वंस डिजिट को तो मैं 0 से रिप्लेस करता हूं और 10 डिजिट को मैं क्या करता हूं 1 से इंक्रीज कर देता हूं। तो इस तरह अपना ये एस्टिमेशन वाला मेरा सेकंड टॉपिक आ रहा है एस्टिमेशन नियरेस्ट 100। तो मेरा है सम एनी नंबर्स बाय एस्टिमेशन मेथड, और मैं कौन सा मेथड यूज करूं नियरेस्ट 100। तो अपन लेते हैं किसी नंबर को एग्जांपल, मेरे पास है 2 4 3 प्लस 7 3 9 7 3 9, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं बाय द एस्टिमेशन मेथड नियरेस्ट 100 बनाकर। तो अपन ऐड करते हैं मेरा रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स हम सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट करेंगे 100 नियरेस्ट 100 में। तो 2 4 3 अगर इस नंबर को मैं नियरेस्ट 100 कन्वर्ट करता हूं नियरेस्ट 100 में, तो मैं नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करता हूं, तो मेरा रूल्स में सबसे पहले रूल्स में क्या बताया कि अगर मैं नियरेस्ट 10 बनाता हूं तो मैं वंस डिजिट को कंसीडर करता हूं, अगर मुझे नियरेस्ट 100 बनाना है तो मैं क्या करूंगा 10 डिजिट को कंसीडर करूंगा,
तो मुझे 243 को बनाना है, यानी कि 243 में मैं 1 digit को कंसीडर नहीं करूंगा, इस बार 10 digit को कंसीडर करूंगा। तो 10 digit अगर 5 से छोटी है तो मैं क्या करूंगा उसको, और 10 और 1 प्लस दोनों को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि 1 और 10 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, 0 से। तो 243 को मैं कन्वर्ट करूं नियरेस्ट 100, तो मेरा नंबर्स क्या निकल गया है 200। मेरा सेकंड डिजिट क्या है 7139। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं नियरेस्ट 100, अगर मैं इसको नियरेस्ट 100 बनाना चाहूं तो इस बार देखो इसकी 1 digit देखते हैं, 1 digit 9 है, 10 digit 3 है और 100 digit क्या है 7। तो अपन नियरेस्ट 100 बना रहे हैं, तो मुझे 10 digit देखनी है। अब 10 digit को देखो कि इसमें क्या है, 10 digit 3 है, यानी कि 5 से छोटी है, तो यानी कि इसको 10 को और 1 digit को 0 से रिप्लेस कर दूंगा और ये 7 digit बना रहेगा। यानी कि अब मैं एस्टिमेटरी सम करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा 243 को नहीं करूंगा ऐड, मैं 200 को ऐड करूंगा और अब 700 को ऐड करूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 900। तो इस प्रकार मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल सेकंड लेता हूं मैं इसमें, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 है मेरा, मुझे अब की बार ऐड करना है 468 प्लस 549। अब के बाद मुझे ऐड करना है 468 और 549 को। तो सबसे पहले मैं नियरेस्ट इसको नियरेस्ट 100 बनाएंगे दोनों को, नियरेस्ट 100 बनाते हैं, तो 468 को मैं नियरेस्ट 100 बनाता हूं, नियरेस्ट 100 बनाता हूं। तो सबसे पहले मैं इसका कौन सा डिजिट देखूंगा, 10 डिजिट, 1, 10, 100। तो मैं इसका 10 डिजिट देखूंगा, और मैंने रूल्स आपको बताया कि अगर 10 डिजिट 5 से बड़ा है तो मैं इसको इससे अगले वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दूंगा और बाकी को 0 से रिप्लेस कर दूंगा। यानी कि अगर पीछे वाला डिजिट यानी कि 10 डिजिट 5 से बड़ा है तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, 0 से, और इससे पहले वाले यानी कि 100 डिजिट को किससे इंक्रीज कर दूंगा 1 से। तो 100 डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दूं तो ये क्या बन गया 5, और बाकी को मैं 0 से रिप्लेस कर देता हूं, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या हो गया 500। दूसरा नंबर क्या है 459, इसको भी नियरेस्ट 10 बनाऊं 100, नियरेस्ट 100 सॉरी नियरेस्ट 100 यानी कि मेरा है 549। अगर इसका 10 डिजिट 5 से छोटा है तो इस बार मैं क्या करूंगा 1 और 10 digit को तो 0 से रिप्लेस कर दूंगा और 5 को मैं एज इट इज लिख दूंगा। यानी कि अब इसमें अगर मैं इसको ऐड करना चाहूं तो इसका नियरेस्ट सम क्या हो गया, एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम क्या हो गया, यानी कि 500 प्लस 500 यानी 1000। तो इस प्रकार ये मैंने एग्जांपल्स टू लिया है। तो इस प्रकार हमने एस्टिमेशंस टेक्निक से किसी भी नंबर को एडिशन करना सीखा है। पहले उसको कन्वर्ट किया है नियरेस्ट 100 में, अगर मुझे नियरेस्ट 10 बोला जाता है तो मैं पहले उसको नियरेस्ट 10 में, अगर इसी नंबर को मैं अगर नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना चाहता तो ये नियरेस्ट 10 में मैं 1 डिजिट को देखता तो ये मेरा नंबर कौन सा होता 470 यानी कि 470। देखो इसी में एग्जाम्पल 3 लेता हूं, एग्जाम्पल 3 मेरा नंबर है 889 प्लस 274। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं 84889 को नियरेस्ट 100 बनाऊंगा, इसको क्या बनाऊंगा कन्वर्ट करूंगा नियरेस्ट 100, कन्वर्ट नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में रूल्स क्या कहता है कि 1/10 डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाले यानी उससे पहले मतलब 100 डिजिट को तो मैं 1 ऐड कर दो यानी 1 से रिप्लेस कर दो, बाकी को 0 से रिप्लेस कर दो। यानी कि इस बार मैं क्या करूंगा इस 8 में 1 ऐड करता हूं तो ये तो बन गई 9, और बाकी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा 0 से। तो अगर मैं 889 को
कन्वर्ट करता हूँ नीरस 100 में तो वो संख्या क्या बनगी 900। सेकंड मेरा है 274। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 100 में, कन्वर्ट करता हूँ नीरस 100 में तो वापस मैं कौन सी डिजिट देखूंगा, 10th डिजिट। यानी कि 10th डिजिट अगर 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी ये 7 है, तो मैं क्या करूंगा इससे पहले वाले डिजिट में एक एड रखूंगा, यानी कि ये तो क्या बन गई 3, ये तो क्या बन गई 3, और बाकी दोनों को किससे रिप्लेस कर दूंगा 0 से। तो यानी कि इन दोनों नंबर्स को मैं 100 में कन्वर्ट करता हूँ तो अब नंबर क्या बन गया 900 और 300। अगर मैं इन दोनों को अब एड करता हूँ यानी कि एस्टिमेटेड सम क्या हो गया, एस्टिमेटेड सम हो गया 900 प्लस 300 यानी कि 1200। तो एस्टिमेशन में मैंने आपको नियरेस्ट 10 बनाकर एड करना बताया, सेकंड मैंने टॉपिक लिया है नियरेस्ट 100 बनाकर एड करना। अब मेरा तीसरा टॉपिक है सम मुझे करना है नियरेस्ट 1000 कन्वर्ट करके, यानी कि मुझे मेरा थर्ड टॉपिक है मुझे सम करना है किसी भी नंबर्स का बाय एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मेथड, और वो भी मुझे क्या बनाना है नियरेस्ट 1000। अब की बार मुझे 1000 में नियरेस्ट बनाना है। तो मेरा एग्जांपल्स हैं 6432 प्लस 4483, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। सबसे पहले इन नंबर्स को क्या बनाऊंगा नियरेस्ट 1000। सबसे पहले मैं नियरेस्ट 1000 बनाता हूँ 6432, यानी 6432 को मैंने रूल्स में आपको पहले ही बता दिया है कि 6432 को अगर मैं 1000 के नियरेस्ट बनाऊं तो मैं अब की बार इसका 1 डिजिट 10 डिजिट दोनों ही कंसीडर नहीं करूंगा, इस बार मैं थर्ड डिजिट को कंसीडर करूंगा जो क्या होता है 100। यानी कि अगर मैं नियरेस्ट 10 बनाऊं 100 या 1000 बनाऊं नियरेस्ट 1000 कन्वर्ट करूं से तो मेरा ये नंबर्स क्या बनता है 6432 का मैं अगर 1, 10, 100 और 1000 तो अब की बार मैं इसमें नियरेस्ट 1000 में मैं कौन सा डिजिट कंसीडर करूंगा 100 वाला, और 100 डिजिट अगर 5 से छोटा है तो मैं इन सारे नंबर्स को 0 से रिप्लेस कर दूंगा। अगर ये 100 डिजिट 5 से छोटा है तो मैं इसको 0 से रिप्लेस कर दूंगा, और उससे 1000 वाले जो डिजिट पर जो नंबर है उसको मैं एडिट कर दूंगा, यानी कि मेरा 6432 को मैं नियरेस्ट 1000 बनाऊं तो मेरा नंबर क्या बन गया 6000। अगला मेरा नंबर है 4483, अगला मेरा कौन सा नंबर है 4483, यानी कि अगर मैं इसको भी नियरेस्ट 1000 बनाऊं, नियरेस्ट 1000 बनाना चाहूं तो मैं इसका भी कौन सा डिजिट देखूंगा 100 प्लेस वाला, यानी कि तीसरे नंबर पर 4483 मैं इस नंबर में भी कौन सा डिजिट देखूंगा ये वाला 100 वाला, क्योंकि नियरेस्ट 10 में कौन सा देखते हैं फर्स्ट वाला, नियरेस्ट 100 में हम देखते हैं सेकंड वाला, और नियरेस्ट 1000 में क्या कौन सा देखते हैं थर्ड वाला यानी कि 100 वाला। अगर 100 वाला डिजिट 5 से छोटा है तो इन तीनों डिजिट को हम 0 से रिप्लेस करेंगे और उससे पहले वाले डिजिट को एडिट लिख देंगे, यानी इन दोनों डिजिट में थर्ड नंबर पे कौन सा डिजिट था 4, तो यानी इन दोनों नंबर्स में हम नियरेस्ट 1000 बनाकर क्या लेके आए 6000 और 4000। एस्टिमेटेड सम क्या हो गया, टोटल मेरा कितना हो गया 6 और 4000 यानी 10000, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार आज हमने आज के लेक्चर्स में हमने एस्टिमेशन में वैसे 4 ऑपरेशंस होते हैं एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन, लेकिन हमारा आज का टॉपिक था ओनली एडिशन। एडिशंस में मैंने आपको 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट था एडिशंस किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 10 बनाकर, किसी भी नंबर्स को मैं नियरेस्ट 100 बनाकर,
और मैं किसी भी नंबर को ऐड करूंगा नियरेस्ट 1000 बनाकर, तो मेरा आज की मूल एग्जाम उसमें मैंने आपको ये बताया कि मुझे एस्टिमेशन सम करना था। अगर इसी नियरेस्ट 1000 में मेरा अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे इस बार ऐड करना हो एग्जाम्पल्स टू, मुझे ऐड करना हो 8792 प्लस 2248, तो सबसे पहले मैं इसको क्या बनाऊंगा नियरेस्ट 1000, सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा नियरेस्ट 1000, तो मेरा नंबर 792 इसको मैं क्या कर रहा हूँ कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस बार 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो हम 1000 प्लेस पे जो नंबर था उसमें 1 से डिक्रीज करते हैं, तो ये हो गया 9 और बाकी तीनों को हम 0 से रिप्लेस करते हैं, तो इस बार 8792 को मैं नियरेस्ट 1000 बनाना चाहूँ तो मेरा नंबर क्या निकल गया है 9000 और मेरा दूसरा नंबर क्या है 2248, तो इसको मैं नियरेस्ट 10 बनाना चाहूँ नियरेस्ट 1000 सॉरी 1000 बनाना चाहूँ तो इस बार देखो 2248। अब इसमें भी हम कौन सा डिजिट देखेंगे तीसरा वाला, अब की बार थर्ड नंबर पे जो डिजिट है यानी 100 प्लस पे जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो हम इससे पहले यानी कि 1000 डिजिट को तो चेंज करेंगे नहीं, उसको तो एज इट इज रख देंगे यानी कि 2 को 2 से लिख देंगे, बाकी तीनों नंबर्स को किससे रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो मेरे इस बार ये दोनों नंबर निकल गए हैं 9000 and 2000, तो एस्टिमेटेड सम में मेरा है 9000 प्लस 2000, तो ये हो गए 11000। इस वजह हमारा ये टॉपिक आज इतना ही है, अगला अपन अगले टॉपिक एस्टिमेशन में अपन कल पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि सारे सब्ट्रैक्शन यानी किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 बनाकर 100 बनाकर 1000 में कन्वर्ट करके उसको सब्ट्रैक्शन अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। थैंक यू।